नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जियो फोन नेक्स्ट से यानी कि टच वाले फोन से नेट कैसे चलाएं। आज हम लैपटॉप में बताने वाले हैं और सेम ही तरीका कंप्यूटर में भी काम करता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले चाहिए आपको आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, और आपको चाहिए साथ में एक यूएसबी केबल यानी कि चार्जिंग केबल जो कि इसके साथ आई होगी। तो यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ इसको, आप देख सकते हैं ये इसके साथ ही आई है। आप इसके साथ जो केबल आई है उसे ही यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपका नेट चलेगा। अगर आपके पास ये केबल नहीं है तो ओरिजिनल केबल किसी की यूज करिएगा, लोकल केबल से नेट नहीं चलता है। इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे लगा दीजिए अपने लैपटॉप में और इसे लगा दीजिए अपने मोबाइल के चार्जिंग जैक में। मैं लगा देता हूँ, तो मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पे टच करना है। हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग मिलेगा, इस पे आपको टच करना है। और यहाँ पे आपको मिलेगा यूएसबी टेथरिंग, आपका नेट चालू होना चाहिए। यूएसबी टेथरिंग चालू करें, थोड़ा सा वेट करें और अपने फोन को सही से रख दीजिए और आपका फोन हिलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं और अगर आपके कंप्यूटर में यस या नो करने को बोलता है तो कर दीजिए और हम चेक करते हैं। तो हम गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम ओपन करते हैं फेसबुक, तो देखते हैं हम फेसबुक ओपन होता है कि नहीं। तो नीचे के तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं फेसबुक का पेज खुल चुका है, हम फेसबुक यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें, और हमारा फेसबुक पहले से लॉगिन है इसलिए ये ओपन हो चुका है। ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें।